देखो कैसे एक्सीडेंट हुआ ये, देख रहे हो क्या लगा है बस को, टकराया है ये, टकराया अभी जब हम गए तब नहीं था, नहीं था ये, वही है ना कि यहाँ दिन का बहुत खतरनाक होता, कोई आगे से आके घुसा होगा इसमें ये, लेकिन ठीक ठाक यार ये ट्रक लगा, या तो सही जाके या फिर इसका ब्रेक फेल हुआ है तो किसी पत्थर उत्थर में मारा है, ठाक था। मैंने तो अभी एक जगह रोक के मुंह धोया है, जहाँ ठंडा पानी था ये देखे, जबरदस्त किस्म का फ्रेश हो गया हूँ। आप क्या खा रहे हैं? निम्को, निम्को खा रहे हैं रमजान खान। रमजान वैसे अगर इधर दो मग्गे डाल के बंदा नहा ले ना, हाँ 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 हाँ, मजा आ जाए। कराची तक नहाने का नाम नहीं लोगे। ये है, मैं तो अभी उधर समर नाला पे रोक के उधर भी जरा मुआ धोता हूँ, जरा फ्रेश हो जाता है यार बंदा, दो ऐसे छुपा के पड़ते हैं मुंह पे, सारी नींद नींद उड़ जाती है। से गुजर रहे हैं शतियाल से, राइट साइड आती है दरेल वैली, पीछे ब्रिज गुजरा है दरेल वैली का, और ये शतियाल जी, दरेल जो है अखरोट के लिए मशहूर है, दरेल का अखरोट। उसके बाद जो आगे फेमस वैली आएगी वो आएगी तंगीर, तांगीर उसको कहते हैं, जी एनसीपी वाले टहल रहे हैं बीच, अभी पीछे एक जानवर गधे से बचे, उसके बाद एक इंसान हाइस वाले गधे से बचे, वो टेक कर रहे थे, उसने गाड़ी राइट पर ले ली। बड़े एहतियात से चलानी है भाई गाड़ी, बकरी बेचारे सामने भी आ सकती है। ये इसको बीच रोड से जाकर ऐसे जैसे 22 व्हीलर ट्रेलर मोड़ते हैं ना इस तरह, और राइट साइड पे ये जो वो है क्या इनको कहते हैं, ये गोल्ड डिगर्स, क्या ये जो माइनर्स नहीं है, ये रेत में जो सोना तलाश करते हैं, ये उनके सारे घर बने हुए हैं, इंडस रिवर की रेत में गोल्ड आता है ना, तो ये सारे वो तलाश करते हैं, उनके घर हैं ये, आप देख सकते हैं सारे जी रोड के बीच खड्डा जो भरा नहीं। इधर भी बड़ा ऊंचा एक ब्रेकर है, आगे अंदर वैली है सिवे क्लावर नंबर ये खड़ा होगा कहीं, बैग बजा रहे थे अंदर। ये राइट साइड पे येलो ब्रिज है, तंगीर वैली, तंगीर वैली को जा रहा है, ये तंगीर की पहचान ही है येलो ब्रिज। यार अभी एक और को भी इन्होंने येलो कर दिया था पहले, दरेल तो पीछे गुजर गया ना बेटा, मोस्ट फेमस वो रोड भी जा रही है ना, गोल्ड का बना हुआ जो ब्रिज है, जब आपको इस तरह गोल्डन ब्रिज माइनस देखो इधर अंदर तक चले गए कितने, हाँ जी इधर भी आता होगा ना, हो सकता है, लेकिन पूरी गली भरी हुई है अंदर तक, तंगीर हाँ तंगीर वैली रोड बना हुआ है प्रॉपर, थोड़ा रोड आगे है उसके बाद आगे तो वैली है, झीले वीले है कुछ, लेकिन वो पैदल जाने का सीन है, नहीं वैली तक तो जा सकते, वैली में क्या कद्दू पीछे आके जाके गांव आ जाएगा बस, और क्या वही कहते हैं बस, होटल छोटल कुछ भी नहीं है ये है। अब हम जा रहे हैं दासू की तरफ, पूरी दुनिया में कहीं हाईवे पे और स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, अब कल को कोई अकलमंद लग गया मोटरवे में तो वो बोलेगा जी मोटरवे पर भी स्पीड ब्रेकर बना दो, पीछे पहाड़ में बर्फ पड़ी हुई है, उसके
से। चार बजे और ये आ गया है समर नाला। सही नहीं आ गए, जल्दी नहीं आ गए यार, क्यों भाई? दो घंटे देख के, ये अल्लाह माफ करे, बस इधर खुदा की कसम उन लोगों से, क्या लोग हैं। पीछे से गाड़ी आ रही है, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। ये तो शहरों में भी यार, वो चुलास से दो घंटे में आए। हाँ इधर रोकता हूँ, मुर्गी दबा कर रहा है, वो पानी वो है, ये है बस इधर। समनाला से थोड़ा सा मुंह हाथ धो के रिफ्रेश हो के अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, दासू की तरफ जा रहे हैं। चाय भी पी है, चाय हमारे पास चाय थी थर्मोस में, बेहतरीन किस्म की दूध पत्ती। समर नाला पर चाय पी के अब 4:15 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग अब समर नाला से दासू के लिए जा रहे हैं। कराकरम हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं, N35 कराकरम हाईवे। कैसे क्रैक है, अलग हुई हुई है, बिल्कुल अलग हुई हुई है चट्टान, इतनी बड़ी है ये, और इसके अंदर वो तो बड़े क्रैक है, क्रैक के ये देखो ये पत्थर ऊपर कैसे रखा हुआ क्रैक्स के अंदर भी क्रैक्स है। हाँ ये इन्होंने पिछली बार याद है पत्थर डाल रहे थे और फिर मट्टी। हालत इसकी पहले तो बहुत बुरी थी, तो ये अब इसको बनाने के लिए इन्होंने से पत्थर डाले, पत्थर डाल के मट्टी डाली है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस पे डामर डलेगा। हम लोग रेवो वाले में भी आए थे जब, तो ये समर नाला दासू बे इंतहा खराब रोड था, बे इंतहा, यानी ऐसा रोड था कि पीछे आदमी कहता है कि दासू का कच्चा रोड ज़्यादा बेहतर है, वो डैम साइड वाला। इस पे इतने बड़े बड़े खड्डे थे, पक्का रोड और खड्डे, बस अब ये करे जल्द से जल्द इसको बना दे, कंप्लीट कर दे। 43 है यहां से दासू सिर्फ, ये आगे देखो ना ये शुरू हो रहा है बना हुआ, बनेगा तो ऐसा हो जाएगा।